Done. Live. Okay. Hello, Arama. Hello, Arama Jamal. Okay, Rizwana, hum aa gaye. Good afternoon, Rizwana. Good afternoon, Kaur Adbi ji. Good afternoon, Amol Behera. Hello, Bharti. कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है आप सभी लोगों की? क्यों नहीं आते आशीष सर? क्यों नहीं आते? आशीष सर का लेक्चर नहीं हो पा रहा है. आशीष सर थोड़े से बिजी चल रहे हैं इसलिए. हेलो प्रियंका. हाय मौसमी. हेलो आकाश. हेलो जया. गुड आफ्टरनून. हेलो दीपेंद्र. ओके. जसीम, आई एम गुड. गुड आफ्टरनून दिव्या सिंह. आजकल आप गायब रहती हैं क्लास से, हैं? क्यों दिव्या जी, आजकल आपको मेरी क्लास अच्छी नहीं लग रही है? लेंगे, जल्दी लेंगे पूनम. आशीष सर भी जल्दी ही क्लास लेंगे. अभी थोड़े से सर बिजी चल रहे हैं तो थोड़े सी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है इसलिए. ओके. अभी एग्ज़ाम का कुछ भी पता नहीं है रिजवाना, अभी कुछ भी पता नहीं है. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मंचना. गुड आफ्टरनून पूजा. अच्छा, रेगुलर रहती हो? हमें लगा तुम गायब हो गई. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग काशमाला जी. गुड आफ्टरनून दीपांजलि. चल शुरू करते हैं एम्फीबिया. एम्फीबिया के बारे में बात करते हैं. चलिए. एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. क्लेवेज के बारे में डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सेस फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान एम्फीबिया में क्या क्या कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. किस तरीके से एंडोडर्म की सेल्स स्पेसिफाई होती हैं, एंडोडर्म की सेल्स स्पेसिफाई होती हैं, किस तरीके से मीजोडर्मल रीजन स्पेसिफाई होता है और किस तरीके से एक्टोडर्म बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. फिर उसके बाद मीजोडर्म में ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी सेल्स होती हैं जो डिटरमाइन होती हैं ऑर्गेनाइजर फॉर्म करने के लिए, और ऑर्गेनाइजर को बनाने में जो इंडक्शन आता है वो कहाँ से आता है, और न्यूकूप सेंटर क्या होता है, न्यूकूप सेंटर क्या होता है ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए जो इंडक्शंस आते हैं वो कौन सी सेल्स देती हैं, न्यूकूप सेंटर्स क्या, न्यूकूप सेंटर कहाँ होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और फिर इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज इतना पार्ट हम लोग खत्म करेंगे. चलिए देखना शुरू करते हैं. क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है. एम्फीबियन एक्सपेरिमेंट में अर्ली स्टेजेस में सेल्स किस ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होती हैं या कंडीशनली स्पेसिफाइड होती हैं, लेट स्टेजेस में कैसी होती हैं, उससे क्वेश्चन आया हुआ है. ऑर्गेनाइजर से क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग ऑर्गेनाइजर के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजर के फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस ऑर्गेनाइजर परफॉर्म करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं. हेलो गुड्डी. हेलो. हाँ, तो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं. फिर उसके बाद हम लोग न्यूकूप सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्डिन के बारे में पढ़ेंगे, बीटा कैटेनिन, गूस क्वाइड किस तरीके से यहाँ पर फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एम्फीबिया के एग की. किसकी बात करते हैं, एम्फीबियन एग की बात करते हैं. तो कैसा होता है इसका एग, कैसा होता है एग बताइए, एग कैसा होता है, मीजोलेसिथल एग होता है. कैसा होता है एम्फीबिया का एग, मीजोलेसिथल एग होता है. और योग कहां पर डिपॉजिट रहता है, वेजिटल साइट पर योग डिपॉजिट रहता है. कहां पर डिपॉजिट रहता है, वेजिटल साइट पर. तो ये हो गया एनिमल पोल और ये हो गया वेजिटल पोल.
मीजोलेसिटल एग में एम्फीबियन एग में किस टाइप का क्लेवेज होता है? एम्फीबियन एग में किस टाइप का क्लेवेज होता है? यस, मीजोलेसिटल। एम्फीबियन एग में कौन से टाइप का क्लेवेज होता है? मीरोब्लास्टिक होता है या होलोब्लास्टिक होता है? कौन सा क्लेवेज होता है? होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लेवेज, होलोब्लास्टिक क्लेवेज। और प्रॉपरली बोला जाए तो कौन सा? डिस्प्लेस्ड रेडियल, डिस्प्लेस्ड रेडियल होलोब्लास्टिक क्लेवेज। होलोब्लास्टिक का क्लेवेज का मतलब कंप्लीट एग में क्लेवेज होता है। एग जो होता है वो कंप्लीटली क्लीव होता है। एनिमल पोल पर क्लेवेज रेट फास्ट होता है, वाइल वेजिटल पोल पर क्लेवेज रेट स्लो होता है। यस यस, एनिमल पोल पर, एनिमल साइड पर जो सेल्स होती है उनमें क्लेवेज बहुत ही रैपिडली होता है, और वेजिटल पोल पर सेल्स होती है उनमें क्लेवेज स्लो रेट से होता है। तो यहाँ की सेल्स छोटी छोटी सी बनती हैं, यहाँ की सेल्स बहुत छोटी छोटी सी बनती है, और यहाँ पर जो सेल बनती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं। अब देखो ये साइड देखो, तो जबी भी जब तक फर्टिलाइजेशन, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन है, बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं हुई होती है तब तक ये जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है ये बहुत रैंडम होता है। वेल, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? पैरेलली अरेंजमेंट होता है। वो कैसा हो गया? पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म का अपने न्यूक्लियस के साथ साथ, स्पर्म अपने न्यूक्लियस के साथ साथ और क्या क्या लेके आता है? सेंट्रियोल, न्यूक्लियस आता है स्पर्म का, और उसके साथ ही क्या आता है? सेंट्रियोल भी आता है। और ये सेंट्रियोल जब एंटर करता है, जब स्पर्म एंटर करता है तो उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ सेंट्रियोल भी आता है, और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को पैरेलली अरेंज कर देते हैं। एग में क्या करते हैं? पैरेलली अरेंजमेंट का काम करते हैं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? रैंडम अरेंजमेंट होता है। वेल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, और इनका रोल क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही क्या हुआ? स्पर्म की एंट्री हुई। एम्फीबियन एग में स्पर्म की एंट्री किधर से होती है? वेंट्रल साइड से होती है। किधर से होती है? वेंट्रल साइड से स्पर्म की एंट्री होती है, मतलब जिधर से स्पर्म एंटर हुआ वो वेंट्रल हो जाता है, और दूसरा साइड क्या हो जाता है? डॉर्सल। स्पर्म के एग में दो साइटोप्लाज्म होते हैं, एक इनर साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा कैसा होता है? आउटर साइटोप्लाज्म या कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है वैसे ही क्या होता है? ये जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, ये जो आप लोगों को डार्क दिख रहा है, ये कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट करता है। कितना रोटेट करता है? 30 डिग्री रोटेशन होता है। कितना रोटेशन होता है? 30 डिग्री। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है इस साइटोप्लाज्म में 30 डिग्री का रोटेशन होता है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में, और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन या कॉर्टिकल रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रोटेशन, कॉर्टिकल रोटेशन। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है? कॉर्टिकल रोटेशन होता है, 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन होता है, और उस रोटेशन के साथ साथ क्या होता है? इस साइड पर, डॉर्सल साइड पर जब 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन होता है तो सभी को दिख रहा होगा ये यहाँ का साइटोप्लाज्म डार्क कलर का है और यहाँ का कैसा है? लाइट कलर का है। तो जब रोटेशन होता है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म का तो डॉर्सल साइड पर क्या होता है? एक रीजन एक्सपोज होता है जो ग्रेइश होता है, मतलब ना पूरा ब्लैक होता है और ना ही व्हाइट होता है, ग्रेइश रीजन होता है, और उसको क्या बोलते हैं? ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं। और ये ग्रे क्रिसेंट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। क्यों? इनिशिएट्स गैस्ट्रुलेशन,
ये रीजन क्या करता है, गैस्ट्रुलेशन के इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन। मतलब जहां पर ये प्रेजेंट होता है वहीं की वहां की सेल्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन को इनिशिएट करने का काम करता है। तो ग्रे क्रिसेंट रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के दौरान, और ये रीजन तब एक्सपोज होता है जब कॉर्टिकल रोटेशन होता है। क्या होता है, स्पर्म की एंट्री के बाद, ये देखिए नीचे के स्ट्रक्चर में, देखिए नीचे के स्ट्रक्चर में देखिए, ये ग्रे क्रिसेंट रीजन, ये ग्रे क्रिसेंट रीजन है जो ना ब्लैक है ना व्हाइट है, ग्रेइश रीजन है। तो ये क्या करता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करें ग्रे क्रिसेंट की, ग्रे क्रिसेंट रीजन की, हाँ अब ग्रे क्रिसेंट के बाद पहले क्लिवेज देख लेते हैं। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई, ग्रे क्रिसेंट के रिस्पेक्ट में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई क्लिवेज शुरू हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लिवेज शुरू हुआ, पहला क्लिवेज प्लेन था जिसने पूरे के पूरे कंप्लीट एग को क्लीव किया। उसके बाद सेकेंड क्लिवेज इसी के साथ एनिमल पोल से स्टार्ट हुआ, और थर्ड इक्वेटोरियल क्लिवेज कैसा था, इक्वेटोरियल था, बट ये इक्वेटर पे ना होकर, इक्वेटर रीजन का मतलब जहां पर एनिमल पोल की सेल्स और वेजिटल पोल की सेल्स मिलती हैं वो इक्वेटर रीजन होता है। ये जो आपको ग्रेइश डेज दिख रहा है ना, ये कैसा है, इक्वेटर रीजन होता है। तो ये क्लिवेज है, थर्ड क्लिवेज जो इक्वेटोरियल क्लिवेज है, बट इक्वेटर रीजन में ना होकर ये किधर डिस्प्लेस्ड रहता है, एनिमल पोल के साइड पर डिस्प्लेस्ड रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लिवेज, देन डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लिवेज। अब जब कई डिविजन्स होते हैं, कई साइकिल बनता है, और मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। हाँ, दैट्स व्हाई दिस इज डिस्प्लेस्ड, यस। तो मोरूला बनता है, और मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है, और हमको क्या मिलने लगती है, ब्लास्टोसील कैविटी मिलने लगती है। क्या मिलने लगती है, ब्लास्टोसील कैविटी। ये ब्लास्टोसील कैविटी के दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ, द एम्फीबियन ब्लास्टोसील सर्व्स टू मेजर फंक्शंस। फर्स्ट, इट कैन चेंज इट्स शेप सच दैट सेल माइग्रेशन कैन अकर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, व्हाइल द सेकेंड फंक्शन, इट प्रिवेंट्स द सेल्स बीनीथ इट फ्रॉम इंटरैक्टिंग प्रीमैच्योरली विद द सेल्स अबव इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करती है, ये ब्लास्टोसील कैविटी क्या करती है, एनिमल पोल की सेल्स को, अगर ये ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म हो गई तो ये एनिमल पोल की सेल्स को वेजिटल पोल की सेल से मिलने, प्रीमैच्योरली मिलने नहीं देती है, क्योंकि जहां पर ये दोनों सेल्स आपस में मीट करती हैं वहां पर कौन सा रीजन बनता है, मीजोडर्मल रीजन बनता है। वहां की सेल्स क्या हो जा रही है, एज अ मीजोडर्म स्पेसिफाई हो जाती है। तो इनका प्रीमैच्योरली, इनके बीच में प्रीमैच्योरली इंटरेक्शन ना हो, इसको कौन इंश्योर करता है, इसको ब्लास्टोसील इंश्योर कर दिया, इसको इंश्योर करने का काम किसका रहता है, ब्लास्टोसील का। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ब्लास्टोसील के बाद अब क्या आता है, गैस्ट्रुलेशन आता है। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होते हैं, सेल मूवमेंट्स होते हैं, हमने कई सारे सेल मूवमेंट्स खड़े हुए हैं। एम्फीबिया के केस में क्या होता है, सबसे पहला जो सेल मूवमेंट होता है दैट इज वेजिटल रोटेशन एंड इनवेजिनेशन ऑफ वॉटर सेल, वेजिटल रोटेशन एंड इनवेजिनेशन ऑफ वॉटर सेल्स। सेकेंड जो गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट होता है दैट इज इन्वॉल्यूशन ऑफ डॉर्सल मीजोडर्म, या डॉर्सल मीजोडर्म अगर ना लिखे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, IMZ सेल्स, इनको बोलते हैं इन्वॉल्यूटिंग मार्जिनल जोन की सेल्स जो होती हैं वो कहां जाती हैं, इन्वॉल्यूशन में जाती हैं। थर्ड जो होता है दैट इज इपीवोली
ईपी बोली ऑफ द, हमने बताया था जब भी जहां पर भी एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होना होगा वहां पर कौन सा प्रोसेस करेगा, ईपी बोली, तो ईपी बोली ऑफ एक्टोडर्म, ईपी बोली ऑफ एक्टोडर्म। तो ये तीनों प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट के दौरान रन करते हैं। अच्छा, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन जो फेट मैप बनता है एग में, उसमें क्या होता है कि होती है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है, एनिमल पोल की सेल्स जो होती है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है, और वेजिटल पोल की सेल्स जो होती है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है, और जो इक्वेटर रीजन की सेल्स होती है यानी कि मार्जिनल उनकी जो सेल्स होती है वो क्या करती है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो जब गैस्ट्रुलेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन ये फेट मैप डिसाइड रह रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून आचल, गुड आफ्टरनून। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, अब जब गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बॉटल सेल्स, जो बॉटल सेल्स फॉर्म होती है बाय द इन्वेजिनेशन, बाय द इन्वेजिनेशन जो बॉटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये जिन बॉटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द इन्वेजिनेशन, ये बॉटल सेल्स क्या करती हैं, किसका फॉर्मेशन करती हैं, आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं, आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन करती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डॉर्सल साइड की सेल से क्या होता है, बॉटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या करती है, आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन करती है। आर्केंट्रॉन का मतलब आर्केंट्रॉन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं, और इन्हीं ब्लास्टोपोर के बेसिस पे डिसाइड होता है, अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है या एनस बनता है तो उसी के बेस पे ये पता चलता है कि एनिमल प्रोटोस्टोम होगा या डिटेरोस्टोम होगा। तो ये जो आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन होता है इसे रेगुलेट करने का काम कौन करता है, बॉटल सेल्स करती है। जब आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लास्टोसील क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, ब्लास्टोसील आर्केंट्रॉन कैविटी से रिप्लेस हो जाए, ब्लास्टुलेशन के टाइम पे हमको क्या मिलता है, ब्लास्टुला के टाइम पे ब्लास्टोसील कैविटी मिलती है, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे हमको क्या मिलती है, आर्केंट्रॉन कैविटी मिलती है। तो जब ब्लास्टोसील कैविटी रिप्लेस हो जाती है बाय द आर्केंट्रॉन कैविटी, तब उसके बाद क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, वेजिटल सेल की सेल्स क्या बनाती हैं, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब इसी आर्केंट्रॉन कैविटी के थ्रू क्या होता है, वेजिटल साइड की सेल्स का वेजिटल रोटेशन होता है, और वो इसी आर्केंट्रॉन कैविटी आर्केंट्रॉन कैविटी के थ्रू मूव करती हैं, और किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो जो आपको ये येलो सी लेयर दिख रही है, ये क्या कर रही है, एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये क्या है, एंडोडर्मल सेल्स हैं जो मूव कर रही हैं बाय द वेजिटल रोटेशन, बाय द वेजिटल रोटेशन। उसके बाद सेकेंड जो होती है, सेकेंड यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें IMZ सेल्स बोलते हैं, इन्वॉल्यूटिंग मार्जिनल जो उनकी सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, जो इन्वॉल्यूशन का जो मार्जिनल जो उनकी सेल्स, जो इन्वॉल्यूटिंग मार्जिनल जो उनकी सेल्स होती हैं, वो इन्वॉल्यूशन के थ्रू क्या करती हैं, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो एंडोडर्म के अबव द एंडोडर्म ये सेल्स क्या होंगी, इन्वॉल्यूट होंगी। अब हम इन्वेजिनेशन और इन्वॉल्यूशन नहीं बता रहे, तो जिसे भी कंफ्यूजन हो इन्वेजिनेशन इन्वॉल्यूशन पी बोली में, वो क्लेवेज एंड गैस्ट्रुलेशन वाला लेक्चर उठा के देखे, डन। तो अब मार्जिनल जोन की सेल्स क्या होंगी, इन्वॉल्यूट करेंगी इन्हीं एंडोडर्म सेल्स के ऊपर। अब तो ये जो रेड कलर की सेल्स दिख रही है ये क्या कर रही है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन कर रही है, और इनके जस्ट अब क्या होगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा बाय द इपीबोली, इपीबोली के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, डन, क्लियर है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, वेजिटल रोटेशन, इन्वेजिनेशन होगा बॉटल सेल्स का, उसके बाद वेजिटल रोटेशन होगा, यानी कि वेजिटल पोल की सेल्स जो होंगी वो मूव करेंगी और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ मार्जिनल जोन पे जो इन्वॉल्यूटिंग मार्जिनल जोन की सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो मूव करेंगी और किसका फॉर्मेशन करेंगी, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। और सबसे लास्ट में जो क्या करती है, जो सेल्स
जो एक्टोडर्मल सेल्स होंगी, जो जो सेल्स एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी वो किसके थ्रू मूव करेंगी, इपीवोली प्रोसेस को परफॉर्म करेंगी और क्या करेंगी, डीपर लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो को कवर कर देंगी और क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस रन होता है। हेलो हेलो नेहा तिवारी, डन, क्लियर है सभी को ये प्रोसेस, क्लियर है ये सभी को प्रोसेस। तो एम्फीबिया के किस में तुम्हें क्या मिलेंगे, इन्वेजिनेशन भी मिलेगा, इन्वॉल्यूशन भी मिलेगा। हमेशा याद रखना, डॉर्सल ब्लास्टोफोर लिप का फॉर्मेशन इन्वॉल्यूशन प्रोसेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, इन्वॉल्यूशन प्रोसेस के थ्रू होता है। डन, क्लियर है, ओके 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 ग्रेट। अब देखो ये वाला फिगर देखो, तो ये क्या है, वेट 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 गाइस, तो अगर हम देखें, अगर हम यह फिगर देखें, अगर हम ये वाला फिगर देखें, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ये क्या है, येलो येलो सेल्स वहां पर जो क्या थी, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर रही थी। तो ये क्या है, वेजिटल एंडोडर्म की सेल्स है। यहां क्या लिखा हुआ है, साइट ऑफ ब्लास्टोफोर फॉर्मेशन। यहां से क्या होगा, ब्लास्टोफोर फॉर्मेशन का मतलब यहां से क्या होगा, बॉटल सेल्स इन्वेजिनेट होंगी और यहीं से क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन जो आर्किंट्रॉन कैविटी है उसका फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, आर्किंट्रॉन कैविटी का। आर्किंट्रॉन ओपनिंग को ही तो ब्लास्टोफोर बोलते हैं। और उसके बाद जस्ट इसके ऊपर मार्जिनल जोन, इन्वॉल्यूटिंग मार्जिनल जोन की सेल्स होती हैं, IMZ की सेल्स होती हैं, जो किसका फॉर्मेशन करती हैं, जो किसका फॉर्मेशन करती है, कॉर्डा मेसोडर्म, हेड मेसोडर्म, ओवरऑल बोले तो मेसोडर्म का फॉर्मेशन कौन होती है, जो एनिमल पोल की सेल्स होती हैं सबसे ऊपर, जो क्या करेंगी, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी बाय द एपिबोली। क्लियर है, ओके चलो। तो हमने पढ़े गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट, एम्फीबिया में होने वाले गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये इन जर्म लेयर्स का स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इन सब का स्पेसिफिकेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं जिनके थ्रू इनका स्पेसिफिकेशन होता है। तो दो फैक्टर होते हैं, बेसिकली दो फैक्टर होते हैं जो जर्म लेयर के स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर वेज टी mRNA बिफोर फर्टिलाइजेशन वेजिटल पुल की सेल्स में डिपॉजिट रहता है। वेज टी mRNA जो होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन वेजिटल पोल की सेल्स में डिपॉजिट रहता है। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, वेजिटी mRNA का ट्रांसलेशन होता है, वेजिटी प्रोटीन बनती है, और ये वेजिटी प्रोटीन एंडोडर्म रीजन में, यानी कि वेजिटल पोल की सेल्स में इंकोड कराती है SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, वेजिटल पोल की सेल्स को एज अ एंडोडर्मल रीजन स्पेसिफाई करने का काम करता है। फिर उसके बाद यही वेजिटी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, यही वेजिटी प्रोटीन क्या करती है, नोडल प्रोटीन का एक्टिवेशन कराती है। कहां पर, वेजिटल रीजन में। और ये सीक्रेटेड नोडल प्रोटीन कहां पहुंचती है, एंड मेसोडर्मल रीजन में, यानी कि मार्जिनल जोन में, और वहां पर बाई द एक्टिवेशन ऑफ SMAD2 के एक्टिवेशन के थ्रू ईओ मेसोडर्मिन जीन का फॉर्मेशन कराती है, और ईओ मेसोडर्मिन जीन का एक्टिवेशन कराती है। और यहां पर एक जीन और एक्टिव होता है, दैट इज जेब्रा जीन। ईओ मेसोडर्मिन जीन और जेब्रा जीन जब एक्सप्रेस होने लगते हैं मार्जिनल जोन में, तो ये रीजन एज अ मेसोडर्म स्पेसिफाई हो जाता है। और एनिमल की सेल्स जिनको कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है वो सेल्स क्या बनाने लगती है, वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करने लगती है। चलिए फिर से देखिए क्या होता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन। हाँ, मेसोडर्म इन्वॉल्यूशन के थ्रू फॉर्मेशन होता है,
इन्वॉल्यूशन के थ्रू फॉर्मेशन होता है। चलो देखो, अब क्या होता है। सबसे पहले vegtmRNA की अगर हम बात करें, तो vegtmRNA कहाँ मिलता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन मिलता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका ट्रांसलेशन हो जाता है, वेजटी प्रोटीन बन जाती है। और ये वेजटी प्रोटीन कहाँ मिलती है? वेजिटल पोल की सेल्स में मिलती है। कहाँ मर मिलती है? जितनी भी वेजिटल पोल की सेल्स होंगी, वेजिटल हेमिस्पेस की सेल होंगी, उन सब जगह पर, उन सब में ये वेजटी प्रोटीन मिलेगी। वेजिटल पोल की जो सेल्स होती है उनमें SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कराना, और जैसे ही SOX17 एक्टिवेट होता है, ये वेजिटल पोल की सेल्स एज अ एंडोडर्म रीजन स्पेसिफाई हो जाती है। फिर उसके बाद वेजटी का दूसरा काम है मीजोडर्मल रीजन को स्पेसिफाई करना। पहला काम एंडोडर्मल रीजन को स्पेसिफाई करना, दूसरा काम मीजोडर्मल रीजन को स्पेसिफाई करना। मीजोडर्मल रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए वेजटी क्या करेगी? वेजटी एक्टिवेट करेगी नोडल को। किसको एक्टिवेट करेगी? नोडल जीन को। और ये सीक्रेटेड नोडल कहां पहुंचेगा? मार्जिनल जोन में पहुंचेगा, और वहां पर क्या करेगा? वहां पर SMAD2 को एक्टिवेट कराएगा बाय द फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेटेड SMAD2 को एक्यूमुलेट कराएगा, और SMAD2 किसको एक्टिवेट कर देगा? ईओ मीजोडर्मिन जीन्स को एंड जेब्रा जीन्स को। और ये दोनों जीन्स क्या करेंगे? जब ये दोनों जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, कौन कौन से इस रीजन में कौन कौन से जीन्स एक्टिवेट होंगे? ईओ मीजोडर्मिन जीन्स और जेब्रा जीन्स। और जब ये दोनों जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये रीजन एज अ मीजोडर्म स्पेसिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज अ मीजोडर्म स्पेसिफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एंडोडर्म स्पेसिफिकेशन हो गया, मीजोडर्म स्पेसिफिकेशन हो गया, बचा क्या? एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म के स्पेसिफिकेशन के लिए किसी भी तरीके की इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब बाय डिफॉल्ट अब जिन भी सेल्स को इंडक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कौन सी सेल्स को इंडक्शन नहीं मिल रहा है? एनिमल पोल की सेल्स हैं उनको इंडक्शन नहीं मिल रहा है। वेजिटल पोल की सेल्स को इंडक्शन मिल रहा है, वो क्या बन जा रही है? एंडोडर्म बन जा रही है बाय एक्टिवेशन ऑफ SOX17। मीजोडर्म की सेल्स को इंडक्शन मिल रहा है बाय द एक्टिवेशन ऑफ ईओ मीजोडर्मिन एंड जेब्राजीन, तो वो मीजोडर्म बन जा रही है। एनिमल पोल की सेल्स को कोई किसी भी तरीके का कोई इंडक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बना रही है? एक्टोडर्म बना रही है। क्या बना रही है? मतलब एक्टोडर्म के लिए किसी भी इंडक्शन की जरूरत, किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं होती है, वाइल एंडोडर्म और मीजोडर्म के लिए सिग्नल्स की जरूरत और इंडक्शन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से वेजटी प्रोटीन, और इसके साथ ही और होता है एक VG1, वेजटी एंड VG1, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? डर्म लेयर्स का स्पेसिफिकेशन करते हैं। वेजटी एंड VG1 ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जर्म लेयर्स का स्पेसिफिकेशन करते हैं, वेजटी एंड VG1। और क्या हो जाते हैं? वेजिटल पोल की सेल्स क्या बना लेती हैं? एंडोडर्म, एंडोडर्म स्पेसिफाई हो जाती है। मार्जिनल जोन की सेल्स, इक्वेटर रीजन की सेल्स मीजोडर्म, और एनिमल पोल की सेल्स क्या बना लेती हैं? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। हाँ, तो एक्टोडर्म में भी तो नहीं दिव्या, वेजटी का फॉर्मेशन मीजोडर्म में नहीं हो रहा है। हमने बताया बिफोर फर्टिलाइजेशन वेजटी mRNA डिपॉजिटेड इन द वेजिटल पोल सेल्स। वेजटी mRNA जो होता है वो वेजिटल पोल की सेल्स में डिपॉजिट रहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोटीन जो बनेगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी? वेजिटल पोल की सेल्स में। मीजोडर्म में वेजटी नहीं प्रेजेंट होता है। वेजटी मीजोडर्म को बनाने के लिए सिग्नल देता है बाय द सिक्रीशन ऑफ नोडल। और नोडल क्या करता है? नोडल SMAD2 के फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ईओम्स को एक्टिवेट करता है, ईओ मीजोडर्मिन जीन्स को और जेब्रा जीन्स को एक्टिवेट करता है। कहां पर? मीजोडर्म में। वेजटी वेजिटल रीजन में प्रेजेंट होता है। वेजिटल रीजन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है दिव्या? मीजोडर्म में प्रेजेंट नहीं होता वेजटी। डन।
तो इस तरीके से तीनों जर्म लेयर्स जो होती हैं वो स्पेसिफाई हो जाती हैं, वो इस तरीके से स्पेसिफाई हो जाती हैं। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। स्पीमैन एंड मैनगोल्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या में एक एम्ब्रियो लिया और एग सेल स्टेज में, हाँ अंजलि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी वहीं पर एक आ रहे हैं, डॉर्सल ब्लास्टअप और लिप पर ही आ रहे हैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स बताने आए हैं, डीबीएल के लिए ही तुम एक्सपेरिमेंट्स बताने आए हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से देखो। एग सेल स्टेज में इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो को एक बेबी हेयर से बांध दिया और इस तरीके से बांधा कि जितने न्यूक्लियाई थे वो एक साइड हो गए और दूसरी तरफ कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं था, दूसरी तरफ कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं था, मतलब ये हो गया न्यूक्लिएटेड साइड और ये हो गए नॉन न्यूक्लिएटेड साइड। अब 16 सेल स्टेज में क्या हुआ, 16 सेल स्टेज में एक न्यूक्लियाई को इन्होंने इधर माइग्रेट करा दिया नॉन न्यूक्लिएटेड साइड पर, और उसके बाद जब इन्होंने देखा आफ्टर 14 डेज इन्होंने देखा कि जो एनिमल बना दोनों साइड से, जो एनिमल बना दोनों ही नॉर्मल डेवलप, दोनों ही एनिमल का क्या हुआ, नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। डिफरेंस बस इतना था कि जहां पर न्यूक्लियाई ज्यादा थे वहां का एनिमल कैसा था, कंपैरेटिवली सिंगल न्यूक्लियाई के बड़ा था, मतलब यहाँ का एनिमल इस रीजन का एनिमल यहाँ पर बड़ा था और जो इस रीजन का एनिमल था वो थोड़ा सा छोटा था, बट क्या होता दोनों का डेवलपमेंट जो था वो नॉर्मली हुआ था। तो इनके कहने का मतलब क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब ईच न्यूक्लियाई कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कंप्लीट या इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो हर एक न्यूक्लियाई से क्या बन सकता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये बताया। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने अभी देखा था कि जब क्लेवेज हो रहा था, ब्रेक रीसेंट रीजन एक्सपोज हो रहा था, मतलब फर्स्ट क्लेवेज के टाइम पर दोनों ब्लास्टोमियर्स में इक्वली जा रहा था ब्रेक रीसेंट रीजन, देखा था। तो यहां पर देखिए, यहां पर जब फर्स्ट क्लेवेज हो रहा है तो फर्स्ट क्लेवेज के केस में क्या हो रहा है, ग्रेक रिसेंट दोनों ब्लास्टोमियर्स में इक्वली जा रहा है, और अगर हम इन दोनों ब्लास्टोमियर्स को सेपरेट करा लें, इन दोनों ब्लास्टोमियर्स को जब हमने सेपरेट कराया तो हमने देखा कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ दोनों ही ब्लास्टोमियर्स। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमने इस तरीके से क्लेवेज को एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने क्या किया, इस तरीके से क्लेवेज करवाया कि जितना भी ग्रेक रिसेंट वाला पार्ट था वो एक साइड आ गया, मतलब टू सेल ब्लास्टोमियर में एक ब्लास्टोमियर के पास ग्रेक रिसेंट रीजन था वाइल दूसरे के पास ग्रेक रिसेंट प्रेजेंट नहीं था। तो जिधर जिसके पास ग्रेक रिसेंट रीजन था उसका क्या हुआ, नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जिसके पास ग्रेक रिसेंट रीजन प्रेजेंट नहीं था वो कैसे डेवलप हो गया, वो एज अ बेली पीस डेवलप हो गया। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि हमें ग्रेक रिसेंट रीजन की जरूरत होती है प्रॉपर नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि ग्रेक रिसेंट रीजन ही होता है जो क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन में डॉर्सल मेसोडर्म की सेल्स के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, और वही सेल्स जो होती हैं वो एज अ ऑर्गेनाइजर काम करती हैं, जो पूरी की पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। तो जहां पर भी ग्रेक रिसेंट प्रेजेंट था वहां नॉर्मल एनिमल बना, और जहां पर ग्रेक रिसेंट नहीं था वहां पर क्या हुआ, बेली पीस डेवलप हुआ। तो इससे क्या पता चला कि ग्रेक रिसेंट रीजन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसमें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था, दैट इज अ डिटरमिनेशन ऑफ एक्टोडर्म ड्यूरिंग न्यूड गैस्ट्रुलेशन। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, तीसरे एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये बताया गया था कि अर्ली स्टेजेस में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन इन अर्ली गैस्ट्रुला। तो
तीसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया गया कि एम्फीबिया के केस में जो अर्ली स्टेजेस की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कंडीशनली स्पेसिफाई होती हैं, कंडीशनल डेवलपमेंट को शो करती हैं, वाइल जो लेट स्टेजेस की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होती हैं, मतलब मोज़ेक डेवलपमेंट को शो करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो सेल्स न्यूरॉन्स बनाने वाले, जो सेल्स न्यू इलेक्ट्रोडर्म की सेल्स को कहाँ डाल दिया, उठाकर इपीडर्मिस रीजन में, कहाँ पर डाल दिया, इपीडर्मिस रीजन में। तो जो सेल्स न्यूरॉन्स बनाने वाली थी, जो सेल्स न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करने वाली थी, वो अब क्या बनाने लगी, इपीडर्मिस। और ये कैसी थी, अर्ली गैस्ट्रुला की सेल्स थी, कैसी थी, अर्ली गैस्ट्रुला की सेल्स में इन्होंने न्यूरल एक्टोडर्म की सेल्स को निकाला, लिखा हो क्या हुआ, प्रेजेंटिव एक्टोडर्म, और कहाँ डाल दिया, जहाँ की सेल्स इपीडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही थी, तो क्या बनने लगा, इपीडर्मिस बनने लगा। मतलब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑटोनॉमस और कंडीशनल बताया था, मतलब नेबरिंग सेल्स से सिग्नल्स के थ्रू, आसपास की नेबरिंग सेल्स के सिग्नल्स के थ्रू जो सेल्स अपना फेज चेंज कर देती है वो कैसी होती है, कंडीशनली स्पेसिफाइड सेल्स होती है, यानी कि रेगुलेटिव डेवलपमेंट को शो करती है। जब लेट स्टेजेस में, लेट गैस्ट्रुला स्टेज में जब इन्होंने यही काम किया, लेट गैस्ट्रुला स्टेज में भी इन्होंने न्यू इलेक्ट्रोडर्म की सेल्स को निकाल कर कहाँ डाला, इपीडर्मिस रीजन में डाला, तो इन्होंने देखा कि वहां पर इपीडर्मिस ना बनकर न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब सेल्स का, सेल्स की मतलब इन्होंने प्लेस चेंज करी, लेकिन सेल ने अपना फेट चेंज नहीं किया। दैट मीन्स सेल्स कैसी हो गई थी, सेल्स अब ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड हो गई थी, और अब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में जाने के बाद सेल्स क्या होती हैं, अपने फेट के लिए डिटरमाइंड हो जाती। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि एम्फीबिया के केस में अर्ली, जो अर्ली स्टेज की जो सेल्स होती हैं, अर्ली गैस्ट्रुला की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कंडीशनली डेवलप होती हैं, वाइल जो लेट गैस्ट्रुला की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होती हैं, कैसी होती हैं, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड। इसी को अगर, इसी एक्सपेरिमेंट को हम अगर इस वे में समझें, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे, इस तरीके के ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन, इस तरीके के टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वेट, वेट गाइस, इस तरीके की टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो इसमें, इसमें बस वही जो हमने फिगर में दिखाया, बस वही टेबल इसमें पूछी गई है, बस वही टेबल इसमें पूछी गई है। पहली टेबल क्या थी, अर्ली, पहली टेबल, पहले इसमें क्या लिखा हुआ, अर्ली गैस्ट्रुला में प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स को कहाँ, डोनर रीजन, प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, होस्ट रीजन में कहाँ डाला गया, इपीडर्मिस में। तो क्या बनने लगा, टिश्यू का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो कैसा हुआ, इपीडर्मिस होने लगा, मतलब न्यूरॉन्स को निकालकर इपीडर्मिस रीजन में डाला तो इपीडर्मिस बनने लगा। दैट मींस क्या हो रहा है, कंडीशनल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन लेट गैस्ट्रुला की सेल्स में जब इन्होंने न्यूरॉन्स को उठाकर इपीडर्मिस में डाला, स्टिल न्यूरॉन्स ही मिले, तो अब क्या होता है, तो अगर फिगर के फॉर्म में आता है या फिर टेबल के फॉर्म में, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, फिनोमेना ऑफ ऑर्गेनाइजर, अंजलि पाल बहुत ध्यान से देखना, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये ऑर्गेनाइजर के फिनोमेना को बताने के लिए किया गया था। बेसिकली जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप की सेल्स होती हैं वो एज अ ऑर्गेनाइजर काम करती हैं, डीबीएल सेल्स, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप की सेल्स जो होती हैं वो एज अ ऑर्गेनाइजर काम करती हैं। ये बात किसके थ्रू प्रूफ हुई थी, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुई थी। कैसे, इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो स्पीसीज ली गई थी, एक पिगमेंटेड स्पीसीज ली गई थी और एक नॉन पिगमेंटेड स्पीसीज ली गई थी, नॉन पिगमेंटेड। तो जब पिगमेंटेड स्पीसीज के डीबीएल सेल्स, ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप की सेल्स को निकाल कर नॉन पिगमेंटेड स्पीसीज के वेंट्रल रीजन में, इधर की डॉर्सल सेल्स को निकालकर ये हो गया उसका डॉर्सल रीजन, देखो प्राइमरली इन्वेजिनेशन दिखा रहा है, तो क्या हो गया डॉर्सल रीजन और ये हो गया वेंट्रल रीजन। तो इन्होंने पिगमेंटेड स्पीसीज के डीबीएल सेल्स को निकालकर दूसरी नॉन पिगमेंटेड स्पीसीज के वेंट्रल रीजन में डाल दिया, और इन्होंने देखा कि उधर भी क्या शुरू हो गया,
उधर भी क्या इनिशिएट हो गया, इन्वेजिनेशन मतलब प्रॉपर गैस्ट्रुलेशन इधर भी इनिशिएट हो गया, और फाइनली हमको क्या मिले, दो ऑर्गेनिज्म मिले जो स्टमक के थ्रू अटैच थे, दो ऑर्गेनिज्म में जो स्टमक के थ्रू अटैच थे। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो डॉर्सल ब्लास्टोपोरलिप की सेल्स होती हैं, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो डॉर्सल ब्लास्टोपोरलिप की सेल्स होती हैं ये एज अ ऑर्गेनाइजर काम करती हैं, ऑर्गेनाइजर काम करती हैं, मतलब बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने भी सिग्नल्स, जितने भी इंडक्शंस की जरूरत होती है वो कहाँ से आते हैं, इन्हीं डॉर्सल ब्लास्टोपोर डीबीएल सेल से आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, डीबीएल सेल से आते हैं। अब ऑर्गेनाइजर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, पढ़ लीजिए, पढ़िए ऑर्गेनाइजर के फंक्शन। एक्सपेरिमेंट रेफर टू द डॉर्सल लिप सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स नोटोकॉर्ड एंड हेड एंडोमेसोडर्म एज द ऑर्गेनाइजर बिकॉज दे इंड्यूस द होस्ट वेंट्रल टिश्यूज टू चेंज देयर फेस टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्मल टिश्यूज। इन्होंने क्या किया, वेंट्रल टिश्यूज के फेस को चेंज कर दिया, पहली प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजर की। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे ऑर्गेनाइज होस्ट एंड डोनर टिश्यूज इनटू द सेकेंडरी एम्ब्रियो विद क्लियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रियल एक्सेस, मतलब सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सेस का फॉर्मेशन किया, किसका किया, सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सेस का फॉर्मेशन किया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या करती है, वेंट्रल टिश्यूज के फेट को चेंज कर देती है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सेस का फॉर्मेशन करती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, मतलब डीबीएल सेल्स क्या करेंगी, जब डीबीएल सेल्स का काम क्या होता है, देना क्या करना, प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन देना। इसीलिए यही जो डीबीएल की सेल्स होती हैं ये सिर्फ ऐसी एक सेल्स होती हैं जो अर्ली स्टेजेस में ही ऑटोनॉमसली स्पेसिफाई हो जाती हैं, अर्ली स्टेजेस में ही कैसी हो जाती हैं, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाई हो जाती हैं, छोड़कर बाकी सभी सेल्स अर्ली गैस्ट्रल स्टेज में कंडीशनली स्पेसिफाई होती है, लेकिन डीबीएल की सेल अर्ली स्टेजेस में ही ऑटोनॉमसली स्पेसिफाई हो जाती हैं, और ये क्या करती है, प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन देती हैं। तो अगर तुम डीबीएल की सेल्स को निकाल कर वेंट्रल साइड में डालोगे तो क्या बनने लगेगी, सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक दूसरा एनिमल फिर से डेवलप हो जाएगा, जैसा कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है। डन, क्लियर है, डॉर्सल ब्लास्टोपोरलिप का फंक्शन क्लियर है, डॉर्सल ब्लास्टोपोरलिप की सेल्स कम कर, मतलब क्या क्या फंक्शन होता है, ये बात क्लियर है सभी को, ओके। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फिनोमिना ऑफ न्यूकूप सेंटर की, किसकी बात करते हैं, फिनोमिना ऑफ न्यूकूप सेंटर की। तो ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होना है, अब हमें यह पता करना है कि इस ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन के लिए, मतलब ये रहा वेंट्रल और ये रहे डॉर्सल साइड की सेल्स, तो डॉर्सल मेसोडर्मल रीजन में डॉर्सल ब्लास्टोपोरलिप की सेल्स जो होती है वो कहां होती है, डॉर्सल मेसोडर्मल रीजन में, और यहीं पर ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ इसी रीजन की सेल्स, मतलब डॉर्सल मेसोडर्म की डॉर्सल साइड की सेल्स ही क्या क्यों होती है, ऐसा ऑर्गेनाइजर वर्क करती हैं, बाकी सेल्स ऐसा ऑर्गेनाइजर वर्क क्यों नहीं करती हैं। तो इसके लिए क्या देखा गया, इसके लिए देखा गया कि इसके लिए सिग्नल जो आते हैं वो वेजिटल साइड की सेल्स से सिग्नल आते हैं, किससे सिग्नल आते हैं, वेजिटल साइड की सेल से सिग्नल आते हैं। तो अब यहां पर जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर क्या किया गया, तीनों रीजन को निकालकर अलग अलग कर दिया गया, मतलब ये है एक्टोडर्म मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, इन तीनों रीजन को निकालकर अलग अलग कर दिया गया, और मेसोडर्म को हटाकर या एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म को छोड़कर एंडोडर्म और एक्टोडर्म को आपस में जोड़ दिया गया, एक्टोडर्म जो एक्टोडर्म बनाने वाली सेल्स थी और जो एंडोडर्म बनाने वाली सेल्स थी उन सेल्स को आपस में
कनेक्ट कर दिया गया। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में, देखिए इन सेल्स को आपस में, ये रही एनिमल कैप की सेल्स और ये रही वेजिटल की सेल्स, वेजिटल पोल की सेल्स। तो इन दोनों सेल्स को जब आपस में जोड़ दिया गया तो ये देखा गया कि जो सेल्स, जो एनिमल कैप की सेल्स एक्टोडर्म बनाने वाली थी, वो क्या बनने लगी, वो मीजोडर्म बनने लगी। वो क्या बनने लगी? मीजोडर्म बनने लगी। मतलब जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म की सेल्स को आपस में कनेक्ट किया गया तो देखा गया कि जो एक्टोडर्म बनाने वाली सेल्स थी वो किसका फॉर्मेशन करने लगी? मीजोडर्म का फॉर्मेशन करने लगी। तो इससे क्या बात प्रूफ हुई? इससे ये प्रूफ हुआ कि जो मीजोडर्म सेल्स को बनाने वाले सिग्नल्स आते हैं वो कहां से आते हैं? वो वेजिटल साइड से आते हैं। कहां से आते हैं? एंडोडर्मल रीजन से आते हैं। मीजोडर्मल इंड्यूसिंग सिग्नल्स जो आते हैं वो कहां से आते हैं? एंडोडर्म से आते हैं। और डॉर्सल साइड की सेल्स के पास, डॉर्सल साइड की सेल्स जो होती हैं, जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? डॉर्सल मीजोडर्म को एज अ ऑर्गेनाइजर स्पेसिफाई करती हैं। क्या करती हैं? एज अ ऑर्गेनाइजर स्पेसिफाई करती हैं। जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स होती हैं, डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स होती हैं, वो डॉर्सल साइड, डॉर्सल मीजोडर्म की रीजन को क्या करती हैं? बाई द सिग्नल एज अ ऑर्गेनाइजर स्पेसिफाई करती हैं। और इन डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स को क्या बोला गया? न्यूकूप सेंटर बोला गया। क्या बोला गया? न्यूकूप सेंटर। तो ये हो गई मीजोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। तो नॉर्मली क्या हो रहा है? मीजोडर्म को बनाने के लिए सिग्नल कहां से आ रहे हैं? एंडोडर्मल रीजन से आ रहे हैं। और जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल रीजन की सेल्स हैं वो क्या कर रही है? वो सिग्नल दे रही है कि डॉर्सल मीजोडर्म की सेल्स क्या बनाए? एज अ ऑर्गेनाइजर बनाए। तो इन सेल्स को क्या बोला गया? न्यूकूप सेंटर बोला गया। क्या बोला गया? न्यूकूप सेंटर बोला गया। और ये जो सिग्नल देती है वो किसके? डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स के जो सिग्नल देती है, जो एक्सप्रेशन, जिस प्रोटीन का एक्सप्रेशन कराती है, दैट इज बीटा कैटेन। बीटा कैटेन। तो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स में और डॉर्सल मीजोडर्मल सेल्स में बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन मिलता है। किसका एक्सप्रेशन मिलता है? बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन मिलता है। तो न्यूकूप सेंटर मीजोडर्मल इंड्यूसिंग सिग्नल दे रही थी, एंडोडर्मल की सेल्स मीजोडर्मल इंड्यूसिंग सिग्नल दे रही थी, वेल न्यूकूप सेंटर की सेल्स किसका सिग्नल दे रही थी? ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन के सिग्नल दे रही थी कि डॉर्सल मीजोडर्म क्या बनाए? डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप या ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन करे। और दोनों रीजन में क्या एक्सप्रेस हो रहा है? बीटा कैटेनिन एक्सप्रेस हो रहा है। दोनों ही रीजन में क्या एक्सप्रेस हो रहा है? बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो न्यूकूप सेंटर में क्या एक्सप्रेस होता रहता है? बीटा कैटेनिन। क्लियर है ये एक्सपेरिमेंट? सभी को क्लियर है? यस, बीटा कैटेनिन। ये एक्सपेरिमेंट सभी को क्लियर है? ओके। अब वेट। तो ये सारी बात हो गई किसकी? गैस्ट्रुलेशन, जर्म लेयर स्पेसिफिकेशन की, जर्म लेयर स्पेसिफिकेशन की। और किसकी बात हो गई? न्यूकूप सेंटर के फिनोमेना की। अब इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है? अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सिस फॉर्मेशन के बारे में। एक्सिस फॉर्मेशन के बारे में, एक्सिस फॉर्मेशन में कौन कौन सी एक्सिस? डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड लेफ्ट राइट एक्सिस। ये तीनों एक्सिस पढ़ेंगे। और इसके साथ ही ऑर्गेनाइजर से निकलने वाले जो प्रोटीन होती हैं, ऑर्गेनाइजर जब फॉर्म हो जाता है तो कुछ सिग्नल्स का को रिलीज करता है। ऑर्गेनाइजर से दो इनहिबिटर रिलीज होते हैं, बीएमपी इनहिबिटर एंड डब्ल्यू एन टी इनहिबिटर। बीएमपी इनहिबिटर और डब्ल्यूएनटी इनहिबिटर जो होते हैं वो अपना फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से क्या करते हैं? जैसे बीएमपी इनहिबिटर्स के केस में जो रिलीज होते हैं, दैट इज नॉगिन, कॉर्डिन,
पॉलीस्टेटिन एंड नोडल रिलेटेड प्रोटीन, ये सारी रिलीज होती हैं और ये एज अ बीएमपी इनहिबिटर काम करती हैं। वेल डब्लएनटी इनहिबिटर के केस में मिलता है सेरिबेरस, फ्रिस्बी एंड डिकॉफ। तो इन सारी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं, और फिर उसके बाद एक्टोडर्मल इंडक्शन किस तरीके से होता है। हमने एग्जांपल भी पढ़ाया था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां बताया था कि वहां पर इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन होता है किसमें, ज़ीनोपस एम्ब्रियो में। तो कब एक्टोडर्म से न्यूरॉन्स बनेंगे, कब इपिडर्मिस बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। एक्सेस के साथ साथ ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा ऑर्गेनाइजर, न्यूकूप सेंडर, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब एक्सेस पढ़ेंगे तो एक्सेस से रिलेटेड और एक्टोडर्मल इंडक्शन, बीएमपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चल देखो, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले ये बी सेक्शन का क्वेश्चन है, इसको देखो, बी सेक्शन का क्वेश्चन है। आई लेंस इंडक्शन इन ज़ीनोपस पढ़ा चुके हैं रेनु, हाँ बताओ। द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स ऑफ द एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड एज न्यूकूप सेंटर इज मार्क बाई द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से मार्क करता है। काशमाला मैम, आई एम फ्रॉम मैम, क्या मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन, बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं काशमाला जी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और हर संडे एक टेस्ट होता है, और ये बिल्कुल सीएसआईआर लेवल के जैसे क्वेश्चन पेपर होता है उसी पैटर्न पे होता है, ए बी सी एन सी सेक्शन में। तो आप टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, और हमारी ऑनलाइन लाइव, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, मतलब 7 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है, 9911949001। ओके ओके डन। तो ये किससे स्पेसिफाई होगा, बीटा कैटेनेंस से ये मार्क किया जाता है, डन। अब जून 2017 में और भी क्वेश्चन आए हैं, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया, नॉगिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ एम्फीबियंस द डॉर्सल लिप सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज स्पीमैन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजर वर मेड। पहली स्टेटमेंट देखिए, इट इंड्यूसेस द होस्ट वेंट्रल टिश्यू टू चेंज देयर फेट्स टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्मल टिश्यू। बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट है, यस ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यू इनटू अ सेकेंडरी एम्ब्रियो, ये ऑर्गेनाइज करता है यानी कि सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सेस का भी फॉर्मेशन करता है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बी ऑप्शन कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इनटू द डॉर्सल मेसोडर्म, बिल्कुल इसके पास एबिलिटी होती है सेल्फ डिफरेंशिएशन की, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर ऑर्गेनाइजर्स की सेल्स होती है उनके पास सेल्फ डिफरेंशिएशन की एबिलिटी होती है। डी ऑप्शन, इट हैज द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, ट्रू और फॉल्स। ओके चलिए, फिर डी ऑप्शन इज राइट। ई, बोथ बीटा कैटेनिन और आर एंड कॉर्डिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनाइजर, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ए एंड डी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी बुक में टेबल दिखाई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये टेबल देखिए, लिखा हुआ विच ऑफ द इंटरफेरेंस गिवन बिलो वुड यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यूज ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद द अर्ली एंड लेट गैस्ट्रा स्टेज ऑफ न्यूट, लेट गैस्ट्रा स्टेज ऑफ न्यूट। तो देखो देखो बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने एम्फीबिया का केस नहीं दिया हुआ है, इन्होंने एम्फीबिया नहीं दिया हुआ है ऊपर। अब क्या लिखा हुआ है, होस्ट रीजन एंड डोनर रीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डोनर टिश्यू। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, प्रोस्पेक्टिव इपिडर्मिस ये डोनर रीजन है, इसको कहां डाला, जहां पर न्यूरॉन्स बन रहे थे। इपिडर्मिस को कहां डाला, जहां पर न्यूरॉन्स बन रहे थे, और वो क्या बना, इपिडर्मिस बना, क्या बना, रीजन है, और ये क्या है, होस्ट रीजन। तो हमने इपिडर्मिस को निकाला और कहां डाला, न्यूरॉन्स में डाला, और क्या बना, इपिडर्मिस बना, क्या बना, इपिडर्मिस बना। तो क्या हुआ, अपने फेट को चेंज नहीं किया। सेकंड कंडीशन, प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस और प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, मतलब हमने न्यूरॉन्स को कहां डाला, इपिडर्मिस रीजन में डाला, फिर भी क्या बने, न्यूरॉन्स बने, मतलब ये कैसी, ये दोनों कंडीशन क्या शो कर रही है, दैट इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। सेकंड कंडीशन, लेट गैस्ट्रुला, प्रोस्पेक्टिव इपिडर्मिस को कहां डाला, प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, जहां पर न्यूरॉन्स बन रहे थे, तो क्या बनने लगे, न्यूरॉन्स बनने लगे, और न्यूरॉन्स को जब इपिडर्मिस के साथ डाला तो क्या बनने लगा, इपिडर्मिस बनने लगा, मतलब इसने आसपास की नेबरिंग सेल से सिग्नल लेकर क्या करा, फेट को चेंज कर लिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ने बताया, हर एनिमल में ऐसा सिर्फ जीनोपस में होता है कि अर्ली स्टेज की सेल्स, अर्ली एस्पिरेशन स्टेज की सेल्स कैसी होती है, कंडीशनली स्पेसिफाइड होती है, वाइल लेट स्टेज की सेल्स कैसी होती है, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होती है। लेकिन यहां पर इन्होंने जीनोपस नहीं दिया है, तो हर एनिमल की जो स्पेसिफिकेशन की, कंडीशनल और ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की जो कंडीशन है वो हर जगह अलग अलग होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अर्ली गैस्ट्रुला की सेल्स कैसी स्पेसिफाइड हो रही है, अर्ली गैस्ट्रुला की सेल्स कैसी स्पेसिफाइड हो रही है, ऑटोनॉमसली, और लेट गैस्ट्रुला की सेल्स, हाँ बिल्कुल, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। सेवेंथ ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है, स्वर्णली खान, 16 जुलाई नहीं 7th ऑफ जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, लाइव क्लासेस जो हैं, वो 7th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी आपको ज्यादा डिटेल चाहिए स्वर्णली जी, तो आप यहाँ पर कॉल कर लीजिए, जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी, ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको बता दी जाएंगी। डन, अब ऑप्शन पढ़िए, सेल्स ऑफ अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट, अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला में कंडीशनल डेवलपमेंट हो रहा है या ऑटोनॉमस, यस कौन सा, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्स ऑफ अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। तो ये नहीं कि मैम ने क्या दिखाया था, मैम ने वो टेबल बुक की दिखाई थी, तो तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ो, इन्होंने डोनर रीजन और होस्ट रीजन वाला पार्ट जो है वो चेंज कर दिया है, और ऐसा जब तक अगर इन्होंने यहाँ पर जीनोपस दिया होता तो क्वेश्चन भी वो उसी के अकॉर्डिंग देते, और अर्ली स्टेज की सेल्स कैसी होती, कंडीशनली स्पेसिफाई, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में जीनोपस से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो हर स्टेज की ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है हर सेल्स की, तो कंफ्यूज होने की जरा नहीं, अगर जरा सा भी क्वेश्चन मैनिपुलेट हो जाए तो गलत करके नहीं आना। अब बी ऑप्शन देखो, सेल्स ऑफ अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, सी ऑप्शन सेल्स ऑफ लेट न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट, सही है, बिल्कुल सही है, लेट गैस्ट्रुला की सेल्स कैसी हो रही है, कंडीशनल डेवलपमेंट में हो रही है, और डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, बी एंड सी, कौन से ऑप्शन सही है, बी एंड सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ऑर्गेनाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मिलेंगे फिर से एम्फीबिया में ही, आगे एक्सिस फॉर्मेशन और बाकी चीजें, एक्टोडर्मल फॉर्मेशन, बीएमपी सिग्नलिंग, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करें। डन,
तो ऑनलाइन क्लास जो हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का, वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है नीचे दिए गए नंबर पे। डन, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।